वालेकुम पाकिस्तान अहमदाबाद में सभी के मजदूरी लॉकडाउन कोऑर्डिनेटर साहब इस वक्त यूट्यूब पर मौजूद है। इकरार है कि राजपथ हमारे प्रेसिडेंट नहीं साहब भाई मौजूद है घर के अंदर है, जहाँ पर आप देख सकते हैं जनरेटर के जरिए पानी निकाला जा रहा है। ये हमारे साथ सैयद नईम शाह भाई भी मौजूद हैं यूसुफ कोर्ट में। जी नईम भाई, यहाँ पे क्या क्या मुश्किलात हैं, क्या परेशानियाँ हैं? एक जनरेटर तो नाकाफी है इतने बड़े यूसुफ कोर्ट के लिए। अभी यहाँ पर इस घर के अंदर जनरेटर लगाया है पानी निकालने के लिए, लेकिन जिस तरह के मैं हालात देख रहा हूँ कि कम से कम 50 जनरेटर हो भी तो वो भी कम पड़ जाएंगे यहाँ पर। तो इस वक्त मैं उन तमाम साहिब सरवर लोगों से अपील करता हूँ इस वीडियो के जरिए कि वो यूसुफ कोर्ट में आए। यहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चे, माजूर लोग, बुजुर्ग लोग इस वक्त बहुत परेशानी की जिंदगी गुजार रहे हैं। इस वक्त अभी भी यहाँ पर जनरेटर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं जब ये पानी निकल रहा है, इस वक्त ये पानी निकल रहा है, ये पूरा जनरेटर पाए थे यहाँ पर। लेकिन ये कि ये इस वक्त बारिश का सिलसिला चल रहा है, तो मैं तमाम एनजीओ से, तमाम ऐसे लोगों से अपील करता हूँ, तमाम जो भी इस वक्त हमारे हेल्प कर सकते हैं, हमारे साथ मिलकर काम कर सकते हैं, वो यहाँ पर आए और यूसुफ कोर्ट में आए काम करें यहाँ पर, क्योंकि लोग यहाँ बहुत परेशान है। टीम सलाम के प्लेटफॉर्म से अभी इकरार भाई भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी यहाँ पर लोगों को राशन दिया है, पानी भी निकाला है यहाँ पर। तो मैं एक बार फिर तमाम लोगों से अपील करता हूँ, साहब सफर लोगों से अपील करता हूँ कि वो आए और हमारे साथ हमारा साथ दें। टीम सलाम गटाता हूँ इंशाल्लाह अजीज इकरार भाई की हिदायत पर, जो भी यहाँ पर ऐसे घर मौजूद है जहाँ पानी भरा हुआ है, उस पर काम करता रहेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।